अगर आपके घर में लड़ाई रही, झगड़े रहे, आपकी नौकरी चली गई, आपकी जीवन में परेशानियां रही, आपकी लाइफ में बहुत नुकसान हुआ, शेयर मार्केट में नुकसान हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके घर में झगड़े बहुत रहे, तो ये निश्चित है कि आपके घर में पितृदोष है। अगर पितृपक्ष में चीज़ें रहीं तो अभी भी आपके पास दो दिन है पितरों को मनाने के लिए। एक पहला दिन जब आप कल मना सकते हैं, आज मना सकते हैं, और आप 2 अक्टूबर को मना सकते हैं। पितरों की विदाई वाले दिन सुबह जब आप स्नान करें तो आप पूरे घर के अंदर गंगा जल का पोछा लगवाएं। पानी में जब स्नान करें तो उसमें गंगा जल और गोमूत्र मिलाकर स्नान करें। आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी, पितरों की तस्वीर पर सफ़ेद खुशबू वाले पुष्प अर्पण करें। पितरों को जो खाने के लिए पसंद था वो चीज़ों का दान करें। छतरी का, टॉर्च का दान ज़रूर किया जाता है पितरों के लिए, पानी की बोतल का दान किया जाता है। अब करना है एक महत्वपूर्ण दान, एक मटका भर कर लें मिट्टी का, छोटा या बड़ा, मटकी या मटका आपकी मर्ज़ी। उसमें चीनी डालिए, उसमें एक सुपारी डालिए, 2 लौंग डालिए, 2 पतासे डालिए, थोड़े से कच्चे चावल डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए, और इस मटके को पानी से भरा भर लबालब भरा हुआ, और उस पर ढक्कन लगाकर आप इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, या किसी भी शिव मंदिर में जाके शिव जी के किनारे पर शिव जी के पास रख कर आइए। ऊपर मत रखाइएगा शिव जी के, जहाँ शिवलिंग बना होता है वहाँ साइड में रख कर आ जाइए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इससे आपके पितृपक्ष में आपको बहुत राहत मिलेगी, और कान पकड़ कर श्रद्धा भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप पितरों से माफ़ी भी मांगें कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसके लिए पितर मुझे माफ़ करें, और आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि हर अमावस पर मैं कौओं की सेवा ज़रूर करूँ, मैं गाय की सेवा ज़रूर करूँ। देखिए 2 अक्टूबर को बुधवार है, ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि अपने वज़न के बराबर हरा चारा गौशाला में जाकर आप खिला सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। और गायों का अगर आपको आशीर्वाद उस दिन मिल गया तो आपके पितर खुश हैं, ये मान लीजिएगा। ओए होए, उपाय बताती जा रही हूँ, नोट करते रहिए। जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो करे, जो ना कर पाए, जो मिट्टी का घड़ा ना ले पाए वो स्टील का भी ले सकता है। कहने का मतलब है कुछ